दक्कू भाई, यामिनी भाभी कहाँ हैं? वो वन्ना भाभी, यम को कुछ काम होगा इसलिए वो नीचे गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे यहाँ कितना मजा आ रहा है, वो सब मिस कर देंगे। मैं उन्हें बुला कर लाऊं। हाँ ज्योति भाभी, आप बैठिए ना, यम आ जाएगी। एक सेकंड, मैं फोन करता हूँ। यम फोन नहीं उठा रही है, उसके सर में थोड़ा दर्द था, शायद लेट गई होगी। देखो भाई, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम? नहीं नहीं राजेश भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हेल्थ पी चालर जोशीपुरे, तू जितना इरिटेटिंग है ना उतना उतना सच्चा भी, इसलिए झूठ मत बोल, पकड़ा जाए। मारे को पता है कि क्या हुआ था। क्या हुआ? क्या हुआ? ये दक्कू और यामिनी भाभी की बातें मैंने सुन ली थी, वो जो डॉक्टर से कर रहे थे ना, वो माना कि हम लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन हम लोग दोस्त हैं ना। दोस्त होते किस लिए? अपनी बातें शेयर करने के लिए होते हैं ना, प्रॉब्लम शेयर करने के लिए होते हैं। तुम्हारे से शेयर नहीं करेगा, हर्षद से नहीं करेगा? बता बता क्यों? क्या बात, क्या है, क्या हुआ? देखो भाई, हाँ बात क्या है बताइए ना। आईपीएफ क्लिनिक से डॉक्टर का फोन आया और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसी वजह से आप सरोगेसी के लिए भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। इतना सब हो गया है दक्कू, और तू तू इरिटेटिंग ही नहीं, तू है ना एक नंबर का चला रहे हो। आपको मालूम है तुझे, आप लोग यहाँ पे सब संभालिए, हम लोग नीचे यामिनी भाभी को लेकर आते हैं। चलिए राजेश भाई, चल चल चल। ये क्या हो गया? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।